साइड लाइन के बाहर दर्शक भी काफी खामोश है। सुधांशु जी बोल रहे थे खिली हुई धूप है, बसंती हवा है, और निश्चित रूप से बसंती हवा के ये झोंके मन को मदहोश तो कर ही रही है। दो ही टीमों का प्रदर्शन भी अच्छा है, लेकिन मौसम विज्ञान कह रहा है कि कल का मौसम परिवर्तित होगा और आसमान में बादल छाएंगे और थोड़ी बहुत बूंदाबूंदी भी होगी आज। और निश्चित रूप से अगर ऐसी अगर संभावना बनती है तो जब तक पिच रिपोर्ट तैयार नहीं आती दोनों कप्तान के लिए, तब तक वो शायद या फिर किकऑफ का मौका लेना बाकी होगा। फिर से वहाँ पर विक्रम सिंह आके खिलाई हम लोग की तैयारी में थे, लेकिन उन्होंने निरस्त किया। और अगर पिछले हो सकते थे मैंने प्रयास विक्रम सिंह का खिलाड़ी दस नंबर के दर्शन, लेकिन वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है। छोटा सा प्रयास, लाजवाब प्रदर्शन, जमीन के सहारे खेलने का प्रयास, लेकिन गेम को छीना गया। एक बार फिर यहाँ पर जवाबी आक्रमण की तैयारी में आठ नंबर की जर्सी में खिलाड़ी मनोज जो है ड्रिबलिंग करने का प्रयास करते हैं या नहीं। अच्छा टेकल, एक खूबसूरत टेकल वहां पर थ्रू पास ले लगे द्वारा। एक बार फिर बाबूलाल बहुत लाजवाब यहां पर काफी यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड का सहारा लेती हुई हेडर कर रहा, बहुत ही खूबसूरत स्मार, लेकिन चार्ज कर रहे थे वहां पर अच्छा बनते गए खिलाड़ी, कोई गफलत नहीं। ठीक मैदान के बीचों बीच खेल चलता हुआ लेलक के पास, 13 नंबर की जर्सी में सजे हुए लेलक के गेंदर ने गेंद को बनाया है, गेंद अभी भी आसमान में ठीक हमसे नजदीक आती हुई और दो खिलाड़ी जूझते हुए। और एक बार फिर यहाँ पर ललक के पास गेंद, संघर्षकार होती हुई एक दूसरे के चैलेंज को स्वीकार करता हुआ खूबसूरत मौका, एक बार फिर वहां पर चकमा आ गए, गेंद एक बार फिर ललक के सेंटर फॉरवर्ड के पास, लेकिन डिफेंस की तारीफ करनी होगी विभाग जी, हर मुकाबले हर चुनौती को स्वीकार करती हुई इस बार कारों की रक्षा बन रही है। एक बार फिर यहाँ आक्रमण की यहाँ पर झड़ी लगाती हुई मिलेगा कीपिंग, बहुत खूबसूरत यहाँ पर रक्षा पंक्ति कहलगांव के द्वारा प्रदर्शन किया गया। अरे इतना ही जोरदार हमला था वहाँ पर लेलक के द्वारा, लगातार एक के बाद लगातार दूसरा तीसरा हमला कर, निश्चित रूप से अब लगने लगा है कि सेमीफाइनल का मैच हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं निश्चित रूप से। यहाँ पर प्रथम आपका लगभग 30 मिनट का खेल समाप्त हो गया है, तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों की जो बॉडी काफी गर्म हो चुकी है और वहाँ पर प्राइज भी गर्म हो चुका है, प्राइज भी गर्म हो चुका है। आने वाले गोपाल जो है और जी हमारे साथी कमेंटेटर, प्रत्येक मैच में 201 रुपये का नगद पुरस्कार है सुधांशु जी की ओर से भी, और साथ ही साथ विभाग जी विस्तार से बतलाएंगे। जी हाँ, आशीष कुमार है 111, गोपाल मंडल ललक निवासी 100, और पप्पू जी ने रेट बढ़ा दिया 50+30 80 कर दिया उन्होंने, फिर 20 करेंगे 100 हो जाएगा। अरे पप्पू जी जो है अपने दोनों ही टीम को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, भैया गोल करो। और एक बार फिर वहां पर गेंद एरिया के आसपास लेलक के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी चार्ज कर रहे थे और दुखम दुख थे वहां पर, त्रुटिपूर्ण खेल होता है जब खेल में स्प्रिट आती है, जब खेल में यहां पर तेजी आती है तो इस तरह के खेल आपको देखने को मिलेगा, और यही तो आनंद है, यही तो गेम है विवाद जी। एक बार फिर वहां पर यहाँ पर तेज आक्रमण होता हुआ और जब शारीरिक भाषा है यहाँ पर खिलाड़ियों की, अब देख सकते हैं लाजवाब एक दूसरे के शारीरिक जो बॉडी लैंग्वेज है उसको आप देख सकते हैं, अब उसमें थोड़ी सी गति है, वार्म अप काफी हो चुका है, इसी गति के इंतजार थे हमारे दर्शकों का। और जिस प्रकार से ये गति है, ये गति बनी रही लगातार, तो जो मंडल के लिए रिजल्ट होते थे उसके समय पर रहने के खिलाड़ियों ने बॉल को लेकर के लिए खेला है, ठीक हमारे कमेंट बॉक्स पर बॉल होती है तो चुपा तो मैं दोस्तों ने बना रहे खिलाड़ी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों को भी करना होगा, दर्शक खामोश है, इसीलिए अब दर्शकों को भी जोश बढ़ाना होगा। हमारे कुछ दर्शक है जो प्राइस के द्वारा बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर खामोश उत्तेजना सवार होनी चाहिए विवाद जी, बिल्कुल तालियों से दर्शक भी हमारे खिलाड़ियों का होटल हौसले को अपजाए ताकि वो खिलाड़ी और भी दमखम लगा सके और अच्छे तरह का प्रदर्शन करके जोरदार जाएगी, चोट भी लगेगी और दर्शक इधर से उधर गिरेंगे पड़ेंगे, और वो तेजना तो निश्चित रूप से सगार होगी, खिले हुई धूप है और बसंती हवा के झोंके पशुआ भवन यहाँ पर मन को मनोरंज करती हुई। एक बार फिर लोगों के पास बहुत बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया है होटल ने, सेंटर फाइनल को फंड से चोट भी है, लेकिन सुने के द्वारा स्वयं तपदान है वहां पर बिट्टू साहब ले रखे। जी हाँ, और बाबा जाने जाने का प्रयास माइनस किया नंबर की जल सुने राहुल को, और राहुल का जिला जमा प्रदर्शन गेंद तक पकड़ के गोल, गोल बॉल पर छोड़ दी निकली और यहाँ पर पहली बार गोल कीपर चकमा खा गए थे।
और गोलकीपर ने देखा शायद बॉल पास होने के बाद भी स्विंग हुई और